का तोहफा नरोत्तम मिश्रा का हो या फिर दिग्विजय सिंह का या फिर कैलाश विजयवर्गीय का, राहुल भैया को कौन ज्यादा रास आएगा? नरोत्तम मिश्रा हो या कैलाश विजयवर्गीय, अजय सिंह के प्रति उम्रता प्रेम और रिश्तों की प्रगाढ़ता सिर्फ व्यक्तिगत या फिर इसके भी सियासी रंग 2023 में देखने को मिलेंगे? प्यार का तोहफा लाए हैं, चर्चा शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान, सुशील शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, गणेश पांडे जी कांग्रेस की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, और सतना जो क्षेत्र है अजय सिंह राहुल भैया का, चुरहट के अलावा उस पुराने क्षेत्र से भी एक कार्यकर्ता, जिले के प्रवक्ता अतुल सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वह भी तब जब राहुल सिंह के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता जो प्रदेश में बैठे हैं वो कुछ कहने से बच रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत सीधे गणेश जी से। गणेश पांडे जी, अजय सिंह के यहाँ मजमा, ये शक्ति प्रदर्शन या सिर्फ एक जन्मदिन की औपचारिकता और एक छोटा सा जश्न, या फिर इसके पीछे कई सियासी हित भी तलाशे जा सकते हैं? इस जन्मदिन के बहाने अजय सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि वो लंबे समय विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनको इग्नोर किया जा रहा था राजनीति में। जबकि बिंध नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह के बाद यदि किसी बड़े नेता का पूरे प्रदेश में नेटवर्क है तो अजय सिंह का है। कमलनाथ अजय सिंह से भयभीत थे, इसलिए उनको हाशिए पर रखे हुए थे, कहीं ऐसा ना हो कि अजय सिंह के कारण उनकी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। और यही वजह है कि चुरहट जैसे विधानसभा क्षेत्र में अजय सिंह को पराजय बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें पराजित कराया है ताकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार न बन सके। अजय सिंह को यह मौका मिल गया और अपने जन्मदिन के बहाने अपने शक्ति प्रदर्शन का मुजाहरा किया। हर साल तो ये जन्मदिन नहीं मनाते थे, कोरोना को छोड़ भी दिया जाए तो पहले भी एक बार सदन में भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने कहा इनका फोन बंद रहता है अगर हम बधाई देते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस फिर विपक्ष में आकर खड़ी हो गई है, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर के सब कुछ ठीक ठाक नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में बदलाव के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुशील जी, ये जश्न, ये जन्मदिन का जश्न सिर्फ जश्न या इसमें एक लंबे सियासी निहितार्थ निकाले जाना लाजमी है? देखिए, मुझे लगता है कि अजय सिंह जी का ये जन्मदिन पूर्णतः राजनीतिक जन्मदिन है। इसके पहले भी अजय सिंह जी का हर साल जन्मदिन होता, लेकिन इस तरीके का भव्य आयोजन नहीं होता था। और अगर आप देखें C19 वाला रोड देखें या उसके ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ही आप लिंक रोड भी देख लें तो जगह जगह होर्डिंग्स लगाकर ये तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के मतलब दफ्तर के बगल में C19 में जश्न। हाँ नहीं, C19 के पूरे रोड पर दो दो जो है आपने जो है स्वागत द्वार बनाए हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से ये तो अजय सिंह जी की तरफ से हो गया शक्ति प्रदर्शन। लेकिन बीजेपी के नेताओं का उमड़ना जो है ये दो तीन मायने हैं। बीजेपी के नेता जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उपेक्षित जो लीडर्स हैं उनकी तरफ बीजेपी फिर एक नया जो है गेम खेलने की कोशिश करेगी, ये कमलनाथ जी को समझना चाहिए। बहुत कमलनाथ जी ने पार्टी में फूट और गुटबाजी को बढ़ावा दे दिया, अब अगर कमलनाथ जी को अभी भी नहीं संभले तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। अजय सिंह, अरुण यादव वो लीडर्स हैं जिन्होंने बीजेपी की सरकार के समय लोहा लिया, आंदोलन खड़े किए, पूरे प्रदेश को नापा। टाइमिंग सही है उनकी, कमलनाथ बाहर है, चर्चा है कि विदेश में है, कांग्रेस में बदलाव के आसार से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में राहुल सिंह का, राहुल जी का ये राजनीतिक जन्मदिन है, इसको आप अगर पार्टी बदलने जैसे उससे नहीं देख सकते अभी, क्योंकि बहुत ही इनिशियल बात होगी ये कहना, और इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन मैं अभी ट्वीट भी देख रहा था, कमलनाथ जी भले बाहर हों, उनने और उनके पुत्र ने ट्विटर पर जरूर बधाई दी है, तो ये एक औपचारिकता जो होती है कम से कम कमलनाथ जी ने वो तो इस उसमें निभा दी है। सुशील जी, कुछ दिन पहले राहुल सिंह की, राहुल भैया की कमलनाथ से मुलाकात हुई है, रेगांव चुनाव को लेकर है, सतना के बड़े नेता वहां मौजूद थे। ये बात, चलिए हम चलते हैं सतना के जो जिला कांग्रेस के प्रवक्ता है अतुल सिंह जी। अतुल सिंह जी, क्या कुछ दिन पहले राहुल भैया और कमलनाथ की मुलाकात हुई थी, और आज जो जश्न का माहौल था वो आखिर क्या कहता है? सिर्फ भोपाल के अपने समर्थकों तक सीमित था या फिर वाकई में रीवा, सतना, खासतौर से बिंद के लोग यहाँ पहुंचे थे? आप वहाँ मौजूद थे? यहाँ मैं मौजूद था, और जैसा आप कह रहे हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन, मुझे नहीं लगता कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि यह एक अपने कार्यकर्ताओं से एक सामान्य मुलाकात एक जन्मदिन के अवसर पर, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
इससे पहले भी माननीय अजय सिंह राहुल भैया ने अपने जन्मदिन मनाए हैं। कब आप बधाई देने आए थे भोपाल C19 इसके पहले? 3 साल पहले उन्होंने यहाँ पर जन्मदिन मनाया था, पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए थे। अब इस बीच में 2 साल तो कोरोना में निकल गए, इस वजह से नहीं हुआ। तब कांग्रेस सरकार में थी कि विपक्ष में थी? नहीं, कांग्रेस की सरकार के समय तो नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और उसके पहले उन्होंने यहाँ पर जन्मदिन मनाया और प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते थे, उनको बधाई देते थे। और इसके अलावा मेरी बात सुने, इसके अलावा ये जन्मदिन का अवसर था, इसके अलावा भी माननीय अजय सिंह जी C19 में बैठते हैं और अक्सर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने शुभचिंतकों से मुलाकात करते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जो उनसे हो सकता है उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज का जश्न कैसा था? आज का जश्न मैंने बताया कि एक जन्मदिन था, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचा था। वहां पर सभी दलों के, कई दलों के नेता आए थे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी कैलाश विजयवर्गीय जी भी, अच्छा लगता है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी आए थे हमारे। एक कांग्रेस का प्रवक्ता नाम किसके गिना रहा है? नरोत्तम मिश्रा आए थे, कैलाश विजयवर्गीय आए थे। मेरी बात, कांग्रेस के वो कौन से नेता थे? आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी आए थे, हमारे पार्टी के कई MLA आए थे, कई पूर्व विधायक आए थे। कुछ नाम बताइए ना, अगर अपडेट हो आप तो। बिल्कुल, वहाँ जीतू पटवारी आए थे, वहाँ कुणाल चौधरी आए थे, नीलांशु चतुर्वेदी जी आए थे, सुनीता पटेल जी आई थी, PC शर्मा जी भी आए थे और तमाम बैजनाथ कुशवाहा जी आए थे, तमाम पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, कई लोकसभा के प्रत्याशी, कई विधानसभा के प्रत्याशी, कई पूर्व विधायक, कई जिम्मेदार पदाधिकारी वहाँ पर गए थे। प्रदेश के कोने कोने से लोग आए थे और ये पहली बार नहीं हुआ है। हमेशा आदरणीय राहुल भैया C19 में बैठते हैं और ये तमाम नेता मिलते जुलते रहते हैं। चलिए, ये परंपरा का एक हिस्सा है और उनकी अपनी कार्यशैली भी है कि जन्मदिन पर वो अपने समर्थकों के बीच नजर आते हैं। गणेश जी, कुछ हटकर बात सुशील, कांग्रेस के जो नेता पहुंचे, सबसे पहले बात दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचे हैं और जो नेता पहुंचे हैं वो भविष्य की कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो या फिर कुणाल, और भी नेता वहां पहुंचे हैं, तो ये लाइन क्या कहती है? जो नए विधायक हैं, युवा विधायक हैं, उनको तो अब ये दिखने भी लगा है कि हो सकता है भविष्य में अगर परिवर्तन हो तो अजय सिंह, राजनीति में कई अनिश्चितता की राजनीति होती, कहीं कब कौन क्या बन जाए इसकी कोई जो भरोसा नहीं होता। इसी अंदाजे से लोग जो है एक प्रकार से आशा लगाते हैं कि हो सकता है कि कमलनाथ बुजुर्ग हो गए हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र की हो गए, इस समय आज शारीरिक रूप से स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, इसलिए संभवतः हो सकता है अजय सिंह। पूर्व नेता प्रतिपक्ष है और ज्यादा नेता वहां पहुंच सकते थे, कुछ डर था, कुछ खौफ था, कुछ पार्टी की लाइन थी या द्वंद था या दुविधा में थे, जो नहीं पहुंचे वो दुविधा में रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि कमलनाथ नाराज होगा। आप ये देखिए, कमलनाथ ने तो खुद बधाई दी, बधाई देखिए, औपचारिक जो सुशील भाई ने कहा ना कि औपचारिक बधाई दी है, कमलनाथ के लोग कहाँ थे? सज्जन वर्मा नहीं थे, चंद्रशेखर PCC में बैठे रहे, चंद कदमों की दूरी पे जो है राहुल भैया को, अजय सिंह को बधाई दे सकते थे, वो नहीं पहुंचे, बाकी लोग भी नहीं पहुंचे, भूपेंद्र गुप्ता नहीं पहुंचे, तो ये लोग चोरी छुपे। भूपेंद्र गुप्ता तो उनके बहुत करीब रहे। हाँ, करीब रहे, लेकिन इस बार नहीं गए, तो हो सकता है अभी प्रवक्ता है कमलनाथ की नाराजगी ना झेलना पड़े, जैसे मानक अग्रवाल घर बैठा दिए गए। तो इस तरीके से लोग दुविधा में भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति में अगर कमलनाथ की चली तो अगर हम लोग अजय सिंह के साथ गए तो हम लोग हाशिए पे भी धकेल दिए जाएंगे। गोविंद सिंह भी नहीं देखे, शायद भोपाल से बाहर थे। नहीं, गोविंद सिंह तो अपने क्षेत्र में थे। देखिए, बिंद का जो इनके कंपटीटर में जो खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के बड़े नेता कमलेश्वर पटेल जैसे व्यक्ति, जिन्होंने कमलेश्वर पटेल की राजनीति शुरुआत, अजय सिंह की उंगली पकड़ के आगे बढ़े हैं आज की तारीख में, वो भी जन्मदिन की बदनत। आपने कमलेश्वर पटेल का नाम लिया, रीवा में अभी श्रीनिवास तिवारी जी को लेकर के कार्यक्रम था, उसमें राहुल भैया नहीं थे लेकिन बाकी नेता मौजूद थे। हाँ, तो क्या उससे जोड़कर देखा जाए, ये संदेश बिंद के क्षेत्र को भी दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये संदेश बिंद के क्षेत्र को भी दिया जाता है। देखो, बिंद क्षेत्र में अजय सिंह जैसा कद्दावर नेता इस समय नहीं है। कमलेश्वर पटेल जरूर जो है अपने आप को उनके समकक्ष मानने लगे हैं और दिल्ली में अपना मैनेजमेंट भी शुरू कर दिया है। युवा हैं, दिल्ली के पिछड़े वर्ग के हैं। हाँ, पिछड़े वर्ग के हैं, दिल्ली में अपना मैनेजमेंट। मैं ये जानना चाहता हूँ गणेश जी, आप बिंद की राजनीति को भी बहुत करीब से जानते हैं, श्रीनिवास तिवारी पर फोकस करके जो कार्यक्रम हुआ था जहाँ जयवर्धन, जीतू पटवारी, कई लोग पहुंचे थे, इस राहुल भैया के इस भोपाल से जन्मदिन पर दिए गए संदेश के तार का कहीं जुड़ते हैं बिंद के लिए? निश्चित तौर पर बिंद के लिए जुड़ते हैं। श्रीनिवास तिवारी भी जो है कद्दावर नेता थे, लेकिन ये बात
इसमें जो है इसलिए भी नहीं होती कि विंध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो श्रीनिवास तिवारी के जो उत्तराधिकारी हैं कोई भी इस इनके समकक्ष नहीं है। नहीं, अगर वो शक्ति प्रदर्शन था तो फिर ये शक्ति प्रदर्शन है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल, ये अजय सिंह को आप जन्मदिन के को जो है बिल्कुल ये मान के चल सकते हैं ये शक्ति प्रदर्शन है। और खासतौर से ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी है कि कमलनाथ को ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं, प्रदेश भर के लोग जो है आए हुए हैं, और खासतौर से जो है निचले तबके के कार्यकर्ता जरूर, बड़े नेता भले जो है दुविधा में हो, डर के मारे नहीं गए हों, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है वो उनके मजमा लगाता है ये बताने के लिए काफी है कि कम बैक कर सकता हूं मैं, सावधान। सुशील जी, कांग्रेस के नेता कितने पहुंचे, कौन विधायक अपनी जगह है, लेकिन अगर कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, जिनसे सदन के अंदर फ्लोर पर सीधी तकरार होती रहती थी, अगर इनके रिश्तों में प्रगाढ़ता आ रही है तो इसके क्या मायने हैं? सीधी सी बात है, कांग्रेस के लगभग 97 विधायक हैं, उनमें से कितने विधायकों के जन्मदिन पे ही भाजपा के नेता जाते हैं कभी आपने नहीं देखा होगा। अगर अजय सिंह के यहाँ गए हैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसा बवंडर मचाना चाहते हैं, कुछ संदेश, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, भ्रम, हाँ, वो वही भ्रम, चाहे फिर वो भाजपा के नेता हो या मेजबान खुद राहुल भैया, भाजपा को तो इससे कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, भाजपा के नेता जा रहे, कंफ्यूजन कांग्रेस में क्रिएट करना है, वजन अजय सिंह का बढ़ेगा, तनाव कमलनाथ को होगा, तनाव राहुल गांधी को होगा। किस बात का तनाव? भाई तनाव इस बात का होगा कि अगर हम राहुल भैया को भाजपा में ले जा रहे हैं, ये तनाव देना, और देखिए, किसी उपेक्षित नेता के यहाँ यदि कोई विपक्षी दल के बड़े नेता जा रहे हैं तो उसका आशय क्या माना जाएगा? यही ना माना जाएगा कि आप दोरे डाल रहे हैं। इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय कब गए? मैं बोल रहा हूँ 97 विधायकों में से कितने विधायकों के बर्थडे पे ये चले गए? कैलाश जी इंदौर में कांग्रेस के विधायकों के यहाँ नहीं गए होंगे, मालवा के कांग्रेस के विधायकों के यहाँ नहीं गए होंगे। अगर वो अजय सिंह के यहाँ गए हैं तो वो स्वाभाविक रूप से उसमें उपेक्षा में आग लगाने, सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कमलनाथ और कांग्रेस तक है या फिर महाराज की जो स्वीकारिता बढ़ रही है भाजपा के अंदर उससे भी इसको जोड़ के देखा जाए? नहीं, दोनों एजेंडे, देखिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अजय सिंह को या तो वहां वेटेज मिल जाएगा, नहीं तो हम तो तैयार हैं। तो ये जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है ये कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। इसको जो थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश करते हैं वो दिग्विजय सिंह करते हैं। इसलिए आप देखिए दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अजय सिंह भले चुनाव हार गए हों, भले विंध्य में भी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन जनता का नहीं मिला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्थायी हो जाएगा। माने 2023 में भी अजय सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते, लोकसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, कोई पद पर नहीं है, सत्ता में रहते 15 महीने उनकी कोई सुधली नहीं ली गई है, इसके बावजूद अभी वो प्रासंगिक है? राकेश जी, कमलनाथ जी के क्षेत्र में आप बताइए 2013 में 2008 में बीजेपी को और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी उनके लोकसभा क्षेत्र में? क्या कमलनाथ का परिवार चुनाव नहीं हारा छिंदवाड़ा में? क्या कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री रहते हुए जो जीत हुई, क्या इतने वोटों से जीत किसी और मुख्यमंत्री की देखी है क्या आपने? शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव लड़े थे, उनकी जीत का अंतर देख लीजिए। नकुलनाथ छिंदवाड़ा का लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनकी जीत का अंतर देख लीजिए। तो इस ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि नेतृत्व का कद कितना है, वो कद दिखाई दे रहा है इस आयोजन में। और ये जो सबसे बड़ी उपेक्षा, देखिए फिर एक उपेक्षा की गई है, जो विंध्य में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप अजय सिंह को इग्नोर कर रहे हैं तो अगला नुकसान आपको अजय सिंह के कारण होगा। अभी का नुकसान हो सकता है विंध्य की अलग कोई पॉलिटिकल वो चली हो, कोई वेव चल गई हो, कोई एंटी वेव चल गई हो, उसके कारण हो गया हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अजय सिंह की राजनीति खत्म हो गई या आपकी राजनीति खत्म कर पूछ लेते हैं। बिंद में प्रासंगिक हैं राहुल भैया और जो लगातार शक्ति प्रदर्शन चाहे वो श्रीनिवास तिवारी के चेहरे को सामने रखकर किया जा रहा हो, या फिर ये भी पूछूंगा अतुल आपसे कि कमलनाथ और राहुल भैया के जो दो बयान आए थे वो सत्ता की धरती के आसपास से ही आए थे, क्या उसका पटाक्षेप हो चुका है या अभी दोनों के बीच में कुछ है? नेता हैं, हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि पूरे देश के। माननीय राहुल भैया कमलनाथ जी का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं और हमारे पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मतभेद, ऐसा कोई मनभेद उनके बीच में है। तो बाहर आई थी ना, बयान तो आपने सुने हैं ना, अब कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। अपनी अपनी बातें थी, वो बातें खत्म हो चुकी हैं, उसका कयास आप लोगों ने अपने स्तर से लगाया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो पहले से कुर्मे में सब कुछ ठीक ठाक? बिल्कुल।
तो कमलनाथ को भरोसे में लेकर इस जश्न के सहारे राहुल भैया आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जन्मदिन में किसी भरोसा और ये सारी, जन्मदिन कोई अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम, आप अपने घर में केक काटेंगे तो क्या किसी से बात करके काटेंगे? ये तो एक सामान्य एक कार्यक्रम था, समर्थकों का एक वो था, और मुझे नहीं लगता, और स्वयं कमलनाथ जी ने उनको बधाई दी है।